हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में जुड़ जाए। और उसके बाद जो बेल के आइकन आता है उसे भी दबा दें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी मिलेंगी सबसे पहले। और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको ये फ्री में सब्सक्रिप्शन होगा, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस तरह के वीडियो के लिफ्ट उठाते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और अभी तक आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें हम और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो यहाँ आज हम एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसे हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये बॉक्स दिखा रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो हमें डिलीवर किया गया है। इस बॉक्स में क्या है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसका प्राइस के बारे में, क्या इसका प्राइस है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की जो ये टेपिंग किया गया है, ब्रांडिंग भी है फ्लिपकार्ट की इस बॉक्स में पूरा। तो ये बॉक्स आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू जो मैंने ऑर्डर किया है वो क्या है, वो एक लैपटॉप है, एसर का, एसुस का लैपटॉप है। इसका प्राइसिंग है 32,990 रुपीज़ जो फ्लिपकार्ट के थ्रू डिलीवर किया गया है। इसमें है एसुस वीवो बुक का अब लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर है X540U। इसके आप चारों तरफ से मैं आपको इसका बॉक्स दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का इसका पैकेजिंग रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका बैक साइड हो गया पैकेजिंग का, और ये साइड है, और ये इसका फ्रंट साइड है जहाँ पे इसका आपका बिल सब यहाँ पे रहता है, एड्रेस सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ मैंने देख लिया ओपन कर लिया है, तो इसे इस टाइप से ओपन किया है कि बॉक्स ज़्यादा डैमेज नहीं हो, और अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसको हम वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं बबल रैप किया गया है, जिससे आपका लैपटॉप जो भी जैसा प्रोडक्ट हो डैमेज नहीं हो, उसके लिए बबल रैपिंग किया गया है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का ये प्रोडक्ट इसमें रखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बबल रैप को अगर थोड़ा सा आप साइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको लैपटॉप का बॉक्स दिख जाता है, और यहाँ पर देखिए इंटेल का जो ब्रांडिंग है यहाँ लैपटॉप में, वो भी मैं आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ। इस लैपटॉप के बॉक्स में इंटेल का ब्रांडिंग किया गया है, ठीक है। उसके जैसे मैं बॉक्स को निकाल दिया हूँ तो देखिए एसुस का जो बॉक्स है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल, और यहाँ एसुस का ब्रांडिंग दिया हुआ है। ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, ये बॉक्स का लुक है। और बॉक्स के मैं पलटी कर देता हूँ तो ये देखिए साइड लुक कैसा मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ कोड्स लिखे हुए हैं इस प्रोडक्ट का, इस बॉक्स के रिगार्डिंग, और यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम बना गया है बैटरी के रिगार्डिंग, और कुछ डिटेल यहाँ साइड में दिया गया है। और यहाँ पे जो सील रहता है वो सील को आपको काटना होगा, जिससे आप ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इस सील को भी मैंने काट दिया है सिंपली, देखिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सील को मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है इसके पीछे जो यहाँ बना हुआ है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए बैटरी का डोर डायग्राम बना हुआ है और उसमें फायरवर्क्स भी दिखाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है X540U, जो इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है। यहाँ पे और भी डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेड है बाय एसुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इसका डिटेल दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे इसका डिटेल लिखा हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं आप इसका MRP इस प्रोडक्ट का हो जा रहा है 54990। ये आप देख सकते हैं इसका MRP यहाँ लिखा हुआ है, और ये कब का प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं अक्टूबर 2018 का ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या क्या क्वांटिटी मिलता है देखिए, UI कंटेंट लिखा हुआ है, 1 नोटबुक, 1 लैपटॉप एंड 1 यूजर मैनुअल, इस टाइप का इसमें कंटेंट है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को ओपन करके मैं देख लेता हूँ क्या क्या इसके अंदर कॉन्टेंट है जैसा कि लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं जिससे आपको दिखा सकूँ इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको मिलता है। तो जैसे कि मैंने बॉक्स को सीधा कर लिया है, तो यहाँ बॉक्स सीधा करते ही आपको क्या व्यू मिलेगा देखिए। तो यहाँ देख सकते हैं व्यू क्या है, यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपका डाटा केबल और ये अडेप्टर सब रखा हुआ है ऐसे लग रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप रखा गया है, उसका केसिंग भी किया गया है जिसके कारण वो डैमेज नहीं हो, उसका केसिंग ठीक से किया गया है कि लैपटॉप आपका डैमेज नहीं हो, कुछ भी प्रोडक्ट आने नहीं। तो चलिए पहले इसको हटा देते हैं, इस कूट को हटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या केबल आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए एडाप्टर में कनेक्ट करने वाले चार्जिंग वायर है, जो 3 वायर है चार्जिंग वाले, उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक प्लास्टिक में कुछ है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं एडाप्टर है, जो भी आपका लैपटॉप का एडाप्टर होता है वो इस कंपनी का दिया गया है। ठीक है, इसे भी साइड में रख लेते हैं और ये जो लैपटॉप है इसे भी निकाल लेते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सबको निकाल के रख दिया है, तो चलिए इस केस को भी साइड कर लेते हैं। और ये देखिए आपका जो केबल है और ये अडेप्टर है दो, और एक लैपटॉप है, तीन चीज़ इसमें आपको मिल जाता है। यूजर मैनुअल है बट उतना कोई काम का नहीं, इसको मैंने साइड रख दिया है। इसके बाद चलिए मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ तीनों को। और ये दो तीन चीज़ जो हमें मिला है, ये देखिए केबल, ये केबल का क्वालिटी नॉर्मली जैसे सारे लैपटॉप में दिया जाता है उसी टाइप का है। हाल ही में मैंने एक लैपटॉप परचेस किया था एसर का एस्पायर 5, उसमें भी इस टाइप का केबल आपको मिल जाता है, सेम टाइप का केबल आपको मिल जाता है। यहाँ जो अडेप्टर है, अडेप्टर देख सकते हैं, चलिए इस प्लास्टिक से हटा के मैं आपको दिखाता हूँ अडेप्टर किस टाइप का दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं अडेप्टर, ये मैट फाइबर का बना हुआ अडेप्टर है, मेटल टाइप का लगता है बट मेटल नहीं है, फाइबर टाइप का है। ठीक है, और ये प्लास्टिक का इसमें केसिंग किया गया है, इस केस को भी हटा के हम आपको दिखाएंगे कैसा लगता है। लाइटनिंग के कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखिए क्वालिटी इसका अच्छा लग रहा है। चलिए इसको हटा लेते हैं, इस केस को भी हम अच्छे से हटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं AC 100 to 240 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका इनपुट आउटपुट करंट का सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पिन लगाने के लिए दिया गया है, चलिए यहाँ पे देखिए कवर हटाने के लिए दिया गया है, तो इसको भी हम अच्छे से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर टाइप का है, उसको अगर आप हल्का सा उठाइएगा तो ये कवर आराम से निकल जाता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा हल्का से उठाता हूँ, तो देख सकते हैं आसानी से निकल गया है। और ये देखिए केस से हम इस एडाप्टर को निकाल लेते हैं, जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं तो ये आसानी से देखिए निकल गया। तो इसको साइड में रख देते हैं और चलिए देखते हैं एडाप्टर का क्वालिटी। एडाप्टर देख सकते हैं देखने में बहुत ही शाइनिंग कर रहा है, शाइनिंग टाइप का है, मस्त डिज़ाइन दिया गया, अच्छा खासा डिज़ाइन है इसका। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो डिटेल था प्रोडक्ट का वो यहाँ आप देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा को स्टेबल करता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे डिटेल कैमरा का, एडाप्टर का जितने डिटेल है ये आप देख सकते हैं। AC है 100, ये देखिए फाइबर का बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है, शाइनिंग है, देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए जो केबल है देखिए, ये केबल भी उम्दा क्वालिटी का है, जो हर लैपटॉप में मिलता है उसी टाइप का है। बट ये पिन देखिए पतले वाला पिन है, जो किसी किसी में मोटे पिन भी आते हैं, किसी में पतला पिन, तो इसमें ये पतला पिन आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए। तो इस प्रोडक्ट को हम साइड रख देते हैं एडाप्टर को। उसके बाद देखिए ये लैपटॉप है, चलिए इसको भी हटा के देख लेते हैं कैसा इसका क्वालिटी है। तो चलिए इस कवर को हटाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लैपटॉप है शाइनिंग टाइप का मिलेगा आपको। देखिए लाइट पड़ रहा है, हमारा कैमरे का जो लाइट पड़ रहा है इससे देखिए ये शाइन मार रहा है, इसका क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है। बट ये पूरा एकदम मेटलिक नहीं है, ये बिल्कुल फाइबर बॉडी है। ठीक है, फील कर सकते हैं आप इसको टच करके, और ये स्लिम और लाइट है, लाइट वेट भी लग रहा है। इसको आसानी से मैं वन हैंड से हैंडल कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो पोर्ट है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको इसमें पोर्ट मिलता है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये आपको मिलता है ईयरफोन लगाने के लिए पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे जैक के लिए, और उसके बाद दो आपको USB के लिए मिल जाता है, उसके बाद USB-C के लिए भी एक पोर्ट दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए बगल में ही HDMI के लिए पोर्ट दिया गया है, ये वाला HDMI के लिए पोर्ट दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए SD कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है, जहाँ पर आप अपना SD कार्ड डायरेक्ट लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, इसके लिए कोई आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए चार्जिंग पिन लगा सकते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग लिए दिया गया है, ये सारे यहाँ पे पोर्ट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए दो लाइट के लिए आपको दिया गया, जिसमें आप लाइट का दिखाएगा आपका बैटरी लो होगा, और चार्जिंग के लिए नोटिफिकेशन के लिए दो लाइट दिया गया है। तो ये तो हो गया साइड से, चलिए मैं पीछे से इसका व्यू दिखा देता हूँ जैसे किस टाइप का दिखता है। देख सकते हैं यहाँ कूलिंग के लिए दिया गया है, एक ही साइड दिया गया है कूलिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका लैपटॉप कूल रहेगा। और ये जो लुक है देख सकते हैं यहाँ पीछे दिया है, शायद ये हो सकता हो साउंड के लिए दिया गया है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो देखिए यहाँ पे इसका मॉडल नंबर और डिटेल यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है X540UAR, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ और भी डिटेल लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे विंडोज़ का भी एक स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका स्टैंड के लिए बहुत अच्छा खासा बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा इसको उभार करके दिया गया है कि इसका आपसे लैपटॉप थोड़ा उठा रहे, जिससे कूलिंग में इसको मदद हो।
और इसी टाइप से आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे दिया गया है, ये आपका डीवीडी ड्राइव सीडी डीवीडी ड्राइव आपका साइड में दिया हुआ है। एक साइड में आपका डीवीडी ड्राइव, एक साइड में आप सीडी और डीवीडी ड्राइव आपका एक साइड में दिया गया है। चलिए इसको मैं उठाकर दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जो फ्रंट लुक है जो आपका लैपटॉप का जो साइन मार रहा है, देखिए हल्का सा लाइट पड़ने से ही छूने से आपको एकदम अच्छा खासा लुक मिल जाएगा, बट आपको पता चल जाएगा ये मेटेलिक नहीं है, लाइट वेट है किसी के लिए, क्योंकि ये फाइबर का बॉडी बना हुआ है। इधर देखिए हल्का सा उभार दिया गया है जिससे आप आराम से आसानी से उठा सकते हैं लैपटॉप को। और यहाँ पे चलिए ये कवर इसको हटा देते हैं हम और कीपैड देख लेते हैं किस टाइप का सर कीपैड है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भूल गया था, कैमरा देखिए, कैमरा की क्वालिटी वीजीए है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी, ऑडियो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और ये देखिए हल्का सा जो गोला था उठाने की आपको मदद करेगा, इसमें मुझे देखने मिला, इससे पहले वाले में नहीं मिला था, जो एसर्स का था, एसर का लैपटॉप में ये सब नहीं था, इसमें कुछ स्पेशल डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं की पैड को, कीज़ को देखिए बहुत ही आसानी है आपको टाइप करने में, एकदम उभरा हुआ की है, चॉकलेट की जिसको बोलते हैं उस टाइप का। और ये देखिए इंटेल कोर i5 8th जेन का प्रोसेसर जो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ स्पेशल हाईलाइट किया गया है एसस वीवो बुक, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला हाईलाइट किया गया है लाइट वेट एक्सट्रीमली पोर्टेबल, जैसा कि इसका साइज से पता चल रहा है ये पोर्टेबल है, एकदम लाइट वेट है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं CPU है i5 825U का 8250U अप टू 3.4 GHz तक इसे इंक्रीज कर सकता है इसकी कैपेसिटी को। और यहाँ देख सकते हैं 8GB का रैम भी आ गया है, उसके बाद 1TB का इसमें हार्ड डिस्क मिल जाता है, इसमें आपको मिल जाता है डीवीडी ड्राइव वो आपको यहाँ लिखा हुआ है, और एक विंडोज 10 का सपोर्ट में मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आई केयर एक दिया गया है 30% ब्लू ले लाइट रिडक्शन, जिससे आपकी आंखों को प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। और सुपर बैटरी सेफ गार्ड दी बैटरी, इसका एक फीचर इसमें दिया गया है जिससे आप बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ही डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको और बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चॉकलेटी कॉफी टाइप का इसका कलर है, चॉकलेट कॉफी टाइप का कलर देखने में अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का आपको यहाँ देख सकते हैं सोनिक मास्टर का जो दिया हुआ है, ये साउंड के लिए दिया गया है, साउंड में इसका सोनिक मास्टर का इसमें कुछ फीचर्स दिया गया है जिससे आपका ऑडियो क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सके, देख सकते हैं। और यहाँ जो पावर की दिया हुआ है इसको आप प्रेस कीजिएगा तो हल्का सा आवाज़ होगा जिससे आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। देखिए हमारा सिस्टम चालू हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एजस इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स, इस टाइप का आपको यहाँ पे दिख सकता है लोगो। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन का क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, फिलहाल ये नाइट टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कैमरे से उतना अच्छा क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो, तो फ्लैश भी ऑन है। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको फिर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो मैं आपको कैमरा की मदद से और अच्छे से दिखाने चाहता हूँ किस टाइप का ये आपको लुक मिलता है इस लैपटॉप का। चलिए मैं फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको ये स्क्रीन मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर आपको पहले नहीं रहेगा, सिर्फ विंडोज 10 रहेगा, इसको मैंने कस्टमाइज किया है। चलिए इसका मैं बैटरी को थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में जो बैटरी का आइकन दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं हाई कर देता हूँ, तो ये मैंने 100% ब्राइटनेस कर दिया है, देखिए 87% मेरा बैटरी दिखा रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस मोड और बैटरी लाइफ दो ऑप्शन दिखा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, इसमें आपको विंडोज 10 जो मिल रहा है प्री एक्टिवेटेड रहेगा विंडोज 10। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन ये सब दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, और मैं ये आपको लैपटॉप के थ्रू दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा दूँ किस टाइप का आपको ये डिज़ाइन मिल रहा है इस लैपटॉप का, आप देख सकते हैं कीपैड का डिज़ाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल भी एंगल्स क्वालिटी देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, ये आप साइड से देख सकते हैं अच्छा दिख रहा है सर, फिनिशिंग पूरा एकदम अच्छा लग रहा है।
तो ये आपका लुक के लिए बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो ये तो हो गया आपके व्यू के बारे में। चलिए मैं आपको भी एंगल्स दिखा देता हूँ किस एंगल से ये अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही कंफर्टेबल है, आप सिंगल हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड व्यूज़ हो गए आपके, बैक व्यूज़ हो गए, इसके लिए आपका साइड व्यू हो गया। देखिए आपको राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है डीवीडी सीडी ड्राइव आपको राइट हैंड साइड में मिल जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है सारे यूएसबी पोर्ट्स। और ये देख सकते हैं जो इसमें बोल रहा था, ये जो हल्का सा निकाल दिया गया है जिसके कारण आपको लैपटॉप ओपन करने में दिक्कत नहीं हो, आप सिंगल हैंड भी इसे ओपन कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन चीज़ इसमें दिया गया है। और ये देखिए आपका जो पोर्ट सब है यहाँ पे एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको कर दिया गया है, यहीं पे आपका कूलिंग सिस्टम भी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं लैपटॉप में आ गया हूँ, लैपटॉप से आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपना सेटिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंटीवायरस भी इसमें दिया गया है, बट वो उस एंटीवायरस को आपको एक्टिवेट करना होगा इस लैपटॉप के साथ जो एंटीवायरस मिलता है। ठीक है, और यहाँ जितने भी आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं अधिकतर मैंने इंस्टॉल किया है, इसमें आपको ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा नहीं, विंडोज़ 10 ही मिलेगा। और आप इसमें सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब मिलेगा, तो इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे पार्टीशन भी आपको सिर्फ सिंगल पार्टीशन मिलेगा, वो होगा सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज 10 के लिए, उसको आपको फिर डिवाइड करना होगा अलग अलग पार्ट में। इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने डिस्क ड्राइव को अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसी में बता देता हूँ मैं आपको। तो चलिए यहाँ पे आप माई कंप्यूटर में जाइएगा, यहाँ पे जाइएगा मैनेज में। ठीक है, मैनेज में क्लिक करते ही आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माय कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट में। तो जैसा कि वो कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हम चलेंगे डिस्क मैनेजमेंट में। देख सकते हैं यहाँ डिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है, डिस्क मैनेजमेंट पे जाते ही यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका डिस्क यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ सारे डिस्क दिखा रहा है, ये पहले नहीं दिखाएगा, सिंगल OSC डिस्क दिखाएगा और एक डिस्क दिखाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना होगा सिंक वॉल्यूम में। जैसे आप सिंक वॉल्यूम कीजिएगा, इसमें से कुछ स्पेस आप निकाल के अलग रख सकते हैं, इससे आप नया डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही करके आप अपने जितने पार्टीशन हैं कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस इन द सिंक मेमोरी इन MB इसमें लिखा हुआ है। तो MB में आप टाइप करके अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इसी टाइप का आपको सेटिंग मिल जाता है। आप फिर चाहे तो इसमें सब अपने अपना जो जो आपको चाहिए सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सिस्टम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो सिस्टम प्रॉपर्टी पे जाते ही आपका डिटेल जो दिखा देगा क्या क्या आपके डिवाइस में है। जैसे यहाँ डिवाइस का नेम देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप इसका प्रोसेसर देख सकते हैं, जो इसका मेन जो प्रोसेसर होता है ये क्या है, इंटेल R4 TMI58250 CPU 1.6 GHz, उसको मैक्सिमम होता है 1.80 GHz तक। ये इसका आपका हो गया प्रोसेसर। इसमें आपको रैम कितना मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं 8 GB का रैम इसमें मिल जाता है, जिसमें से 7.88 GB अनयूजेबल है, जो अभी फ्री रैम है। यहाँ पर डिवाइस आईडी आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी देख सकते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए 64 बिट का है जो ये प्रोडक्ट है। इसका सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं बताना भूल गया कि आपको मिलता है इंटेल का इनबिल्ट ग्राफिक जो है 620 का आपको इसमें ग्राफिक मिल जाता है। यहाँ पे आप और डिटेल देख सकते हैं, विंडोज 10 का होम वर्जन है सिंगल लैंग्वेज वाला, और वर्जन 1803 इसका वर्जन है। इसका लेटेस्ट इंस्टॉल ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है, देख सकते हैं। एजस टेक कंप्यूटर INC मैन्युफैक्चरर है, इसका सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स को क्लोज कर लेते हैं। इसमें मैं अभी कुछ ज़्यादा एक्टिवेट तो नहीं किया। चलिए मैं इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी आपको दिखा दूंगा किस टाइप का है,
और गेमिंग के बारे में इसमें देखते हैं, क्योंकि गेमिंग सपोर्ट तो करना चाहिए पर ज़्यादा अच्छा खासा गेम। तो यहाँ पे हमें जस्ट सर्च कर लेते हैं कैमरा। जैसे आप कैमरा टाइप कीजिएगा, देखिए यहाँ कैमरा ऐप ओपन हो चुका है। तो यहाँ देख लेते हैं कैमरा क्वालिटी किस टाइप का आपको मिलता है। इस डिवाइस पर मैं देख सकता हूँ कैमरा क्वालिटी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। लाइटिंग का प्रॉपर इशू होने का बाद भी यहाँ देख सकते हैं लाइटिंग है अच्छा खासा, फिर भी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा। यही इसका वीडियो कैमरा क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। तो ये इसके लिए आप जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके हिसाब से ये चलेगा। उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, आप इसमें वेबकैम यूज करने लायक तो नहीं लग रहा है। वीडियो चैटिंग के लिए नहीं, परफेक्ट नहीं है। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसमें जो मेन इशू रह गया ये इसी का इशू रहेगा, क्वालिटी आपको मिल सकता है। और कोई अच्छे ब्रांड होंगे तो और भी अच्छी खासी क्वालिटी दे सकता है, पर इसमें थोड़ा यही कमी है। चलिए इसे, आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा मुझे, मैं इसे बंद करता हूँ। इसमें और भी इसको एजेस का आपको सर्विस मिलता है जो आपको मिलना चाहिए, या काम का नहीं हो कुछ हो सकता है ऐसा सर्विस, मैं आपको देखने के बाद अगले वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे, कमेंट कीजिएगा। आपको ये लैपटॉप लेना है नहीं लेना है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके जरूरत के हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं।